हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है काफी इजी है। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो गिवन है, तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आपको क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू निकालना होगा। क्वेश्चन काफी मजेदार होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको जो गिवन है उसे लिख लीजिए। तो ध्यान से देखिए, गिवन क्या है आपको, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहला काम मैं क्या करूंगा, इन दोनों तरफ क्योंकि आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को इसके साथ लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैं दोनों तरफ एक से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। को एक से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे पावर टू है, नीचे वन है, तो यहाँ पे पावर सिर्फ एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे थ्री हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। इस लाइन को थोड़ा फिर से लिख दीजिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को मैं एक साथ लिख लूंगा, और माइनस थ्री जब इधर जाएगा लेफ्ट साइड, जब कोई भी वैल्यू राइट साइड में जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन दे दूंगा। अब क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्यूबिंग बोथ साइड इन वन वी गेट, दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू थ्री का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, जो क्यूब की जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू क्या है, एक्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है एक्स, और बी की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपको बोला है ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब वन अपॉन एक्स का क्यूब। ध्यान से देखिए, वन अपॉन एक्स का जब आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे वन का क्यूब वन और नीचे एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला की थ्री लिख दीजिए इनटू ए। ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री का क्यूब कितना होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, तो यहाँ पे 27 लिख दूंगा। ठीक है, इस स्टेप को मैं आप यहाँ पे कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए इक्वल टू लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक्स और एक्स टर्म कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस साइन है, जब ये इधर जाएगा तो अब ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वेशन वन में गिवेन है आपको थ्री गिवेन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस साइन है, जब इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थ्री है तो थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे ट्वेंटी सेवन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स था। तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब वैल्यू आएगा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री इंटू थ्री, यहाँ पे नाइन हो जाएगा, तो ट्वेंटी सेवन से नाइन जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 18। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर आंसर।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफी मजेदार था। ऐसे ही क्वेश्चन और वीडियो की सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।